टाटा एस इलेक्ट्रिक में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजिंक्य, स्वागत करता हूं आपका ट्रक टॉक्स के इस नए एपिसोड में। आज हमारे साथ है टाटा मोटर्स की एस ईवी, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, टाटा एस पिछले 17 साल से भारत के लास्ट माइल डिलीवरी सेगमेंट का बेताज बादशाह रही है। 24 लाख से ज्यादा ग्राहकों के ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को इस गाड़ी ने तरक्की की सीढ़ियों तक पहुंचाया है। 2006 में लॉन्च की गई टाटा एस, जिसे प्यार से छोटा हाथी भी कहा जाता है, आज हमारे सामने इलेक्ट्रिक व्हीकल के अवतार में खड़ी है। इस गाड़ी की इतनी प्रगति देख के सच में प्राउड फील होता है। तो भाई लोग, ये रही टाटा मोटर्स की एस ईवी। इसमें टाटा मोटर्स के इवोजेन पावर ट्रेन का इस्तेमाल किया गया है, जो कमिटेड ऑन टाइम डिलीवरी, जीरो एमिशन, ऑल वेदर ऑपरेशन, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग और एडवांस बैटरी कूलिंग सिस्टम के साथ भारत के नए ई कार्गो मोबिलिटी सेक्टर को बढ़ावा देगी। ये एक काफी टेक्नोलॉजिकली एडवांस इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल है, जो ई कॉमर्स और इंट्रा सिटी लास्ट माइल डिलीवरी जैसे एप्लीकेशंस में अपने आधुनिक फ्लीट एज टेलीमेटिक्स और लाइव मॉनिटरिंग के साथ एक इकोसिस्टम से कनेक्टेड रहेगी, जिससे अपटाइम बढ़ेगा। तो आइए दोस्तों, गाड़ी के एक्सटीरियर्स की बात करते हैं। टाटा एस ईवी में आपको वही मजबूत चैसिस दी गई है, जिसके लिए ये गाड़ी जानी जाती है। इसके बैटरी का प्लेसमेंट चैसिस के बिल्कुल सेंटर में किया गया है। बात करें फ्रंट शो की, तो इसमें आपको आगे की तरफ क्लियर लेंस हेडलाइट्स दिए गए हैं और बीच में टाटा मोटर्स का शानदार ग्रिल दिया गया है, जो इसके लुक्स निखारता है। लेफ्ट में आपको एस की बैजिंग दी गई है और राइट साइड में ईवी की बैजिंग दी गई है। पीछे के लोड बॉडी यानी कि डाले की बात करें, तो इसमें आपको लाइट वेट कंटेनर हिंज टेलगेट के साथ दिया गया है। इसके कंटेनर की लंबाई है 2163 मिलीमीटर यानी कि 7 फीट की, और चौड़ाई है 1475 मिलीमीटर यानी कि 4 फीट 8 इंच की। और इसमें आपको अंदर से एक फ्लैट लोडिंग सरफेस मिल जाता है, जिसकी बदौलत कार्गो की लोडिंग और अनलोडिंग करने में काफी आसानी हो जाती है। फ्लैट सरफेस का फायदा यह भी है कि इसमें बॉक्सेस और क्रेट्स वगैरह आसानी से फिट आएंगे, और इस कंटेनर का इनर लोडिंग स्पेस 208 क्यूबिक फीट का है। इस गाड़ी का GVW यानी कि ग्रॉस व्हीकल वेट है 1840 केजी का, और इसमें आपको रेटेड पेलोड कैपेसिटी मिलता है 600 किलो यानी कि 6 क्विंटल का। गाड़ी में आपको आगे और पीछे दोनों एक्सल्स पर मजबूत पट्टे कमानी यानी कि रिजिड लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन दिया गया है। इसमें आपको 155 R13 8 प्लाई रेटिंग के यानी कि 13 इंच के टायर्स दिए गए हैं, जो इसे 160 मिलीमीटर का बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पावर ट्रेन, बैटरी और रेंज की, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। टाटा मोटर्स की एस ईवी में लिथियम आयन आयरन फॉस्फेट यानी कि LFP बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आपको IP67 रेटिंग की वाटरप्रूफिंग मिल जाती है। बैटरी की कैपेसिटी है 21.3 किलोवाट आवर्स की, जिससे 93 वोल्ट्स का नॉमिनल वोल्टेज मिलता है। इसका ड्राइव AC इंडक्शन मोटर पर आधारित है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन रियर व्हील ड्राइव का है, जिसमें आपको सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन दिया गया है, जो इस गाड़ी को 22% की ग्रेडेबिलिटी यानी कि चढ़ाई लांघने की क्षमता प्रदान करता है। टाटा एसीवी का टॉर्क आउटपुट है 130 न्यूटन मीटर्स का, और मोटर आउटपुट है 36 BHP यानी कि 27 किलोवाट का। सिंगल चार्जिंग पर इसकी सर्टिफाइड रेंज है 154 किलोमीटर यानी कि 154 किलोमीटर की, और एनर्जी कंजम्पशन कम करने के लिए इसमें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का इस्तेमाल किया गया है। ड्रैग रेजिस्टेंस कम करने के लिए इसमें एरो डिफ्लेक्टर लगाया गया है, जो इसे और एरोडायनामिक बनाता है और इसकी रेंज इंप्रूव हो जाती है। बात करें चार्जिंग की, तो भाई लोग, इसमें फास्ट और रेगुलर ऐसे दो चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं। इसका फास्ट चार्जिंग टाइम है 105 मिनट्स का, और रेगुलर चार्जिंग टाइम है 6 से 7 घंटे का। इसमें ऑन बोर्ड चार्जिंग गन और 15 एम्पियर का होम प्लग सॉकेट की सुविधा भी दी गई है। आइए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसके इंटीरियर्स के बारे में बात करते हैं। दरवाजा खोलते ही आप देखेंगे कि काफी वाइड ओपनिंग डोर है, जिससे इनग्रेस और एग्रेस यानी कि अंदर जाने और बाहर आने में काफी आसानी होती है। अंदर बैठकर चाबी घुमाते ही गाड़ी आपका कुछ ऐसे स्वागत करती है। टाटा एस इलेक्ट्रिक में आपका स्वागत है। इसमें आपको सेंटर माउंटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जिसमें काफी वाइब्रेंट कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, और चाहे दिन हो या रात, इसकी विजिबिलिटी बरकरार रहेगी। और दोस्तों, इसके वाइब्रेंट कलर्स और फॉन्ट्स की बदौलत हर उम्र का ड्राइवर इसे काफी आसानी से पढ़ सकता है। क्लस्टर के बिल्कुल नीचे 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसमें USB, FM, AUX, ब्लूटूथ इत्यादि फीचर्स मिल जाते हैं, जो आपके मनोरंजन का ख्याल रखता है। साथ ही में इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रिवर्स कैमरा और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं।
उसी स्क्रीन के बिल्कुल पीछे ये रहा इसका गियर सिलेक्टर नॉब। इसे घुमाते वक्त बिल्कुल प्रीमियम फील आता है दोस्तों। गाड़ी के पीछे की तरफ LED टेल लैंप्स दिए गए हैं जो काफी ब्राइट है और रात के समय पीछे से आने वाले वाहनों को बढ़िया तरीके से सतर्क करते हैं। और ये रहे इसके रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। ड्राइवर प्लस वन सीटिंग का ये कैबिन है दोस्तों, और दोनों सीट्स के बीच में आपको स्टोरेज स्पेस दी गई है। और आगे डैशबोर्ड पर भी आपको एक लॉकेबल ग्लो बॉक्स दिया गया है जिसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह इत्यादि आसानी से रख सकते हैं। टाटा मोटर्स की तरफ से इस गाड़ी में TCO बेनिफिट्स यानी कि 5 ईयर प्लस बैटरी लाइफ, रोबस्ट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑल वेदर प्रोटेक्शन, इजी और सेफ चार्जिंग के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन, कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस जैसे कि लाइव मॉनिटरिंग, वो भी डेडिकेटेड कमांड सेंटर और सर्विस सपोर्ट के साथ मिलता है। उसी के साथ साथ हाईएस्ट अप टाइम के लिए टाटा मोटर्स के डेडिकेटेड सर्विस सपोर्ट और वैल्यू एडेड सर्विसेज भी मिल जाती है। दोस्तों फिलहाल इस गाड़ी का प्राइसिंग डिक्लेयर नहीं किया गया है और फिलहाल ये गाड़ी रिटेल सेल्स के लिए भी अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि नए जमाने के ई कार्गो मोबिलिटी सेक्टर को देखते हुए पहले इस गाड़ी को ई कॉमर्स कंपनीज और बड़े लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स के लिए लाया जाएगा। अगर आपने लॉन्च इवेंट देखा होगा तो आपको पता चल ही गया होगा कि भारत के बड़े ई कॉमर्स कंपनीज और लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स को मिलाकर कुल 39,000 एस ईवीज का ऑर्डर भी मिला है। टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक बसेस के तगड़े एक्सपीरियंस के साथ टाटा एस ईवी ने भारत के सस्टेनेबल कार्गो ट्रांसपोर्ट और ई कार्गो मोबिलिटी सेक्टर में इस गाड़ी ने अपने शानदार कदम रख दिए हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको टाटा मोटर्स की एस ईवी, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपको ऐसी किसी गाड़ी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए AAA Icastan Vlogs, ट्रक टॉक्स, स्प्रेडिंग ऑल द लव अबाउट ट्रक्स। जय हिंद।